थक गए हो किसी को प्यार का मतलब बताते बताते, रोज उनसे रिक्वेस्ट करते करते कि वो तुमसे बात करे, तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त निकाले। जैसे तुम उनसे बेमतलब प्यार करते हो वैसे वो भी तुम्हें करे। तो सुनो, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली ना उन्हें समझाने की, और फिर भी उन्हें तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये बात शायद सुनने में बुरी लगे, लेकिन जहां सिर्फ तुम्हें इन्वेस्ट किए जा रहे हो, बार बार उन्हें ये एहसास दिला रहे हो कि तुम्हें उनकी कितनी जरूरत है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, कोई इतना भी ना समझ नहीं होता है कि उसे ये पता ही ना हो कि एक रिश्ते में क्या जरूरी होता है और क्या नहीं। बस गलती यहां हो रही है कि तुमने खुद से फोकस हटा के उन्हें लाइमलाइट में रख दिया है, जो असल में इसके हकदार भी नहीं है। क्योंकि जिन्हें रिश्तों का मतलब पता होता है वो हमेशा बैलेंस बना के रखते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रखना जानते हैं। ये उन्हें समझाना नहीं पड़ता है। और जब रिश्ते खींचतान के निभाए जाएं तो उनकी ना ज्यादा उम्र नहीं होती है, क्योंकि रिश्ते जज्बात से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए कभी भी किसी को फोर्स मत करो कि वो आपके साथ रुके, आपको छोड़ के कभी ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी को रुकने के हजार रीजंस देते हो तो वो कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ ही लेते हैं आपसे दूर जाने का। जितनी बार आप उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि वो आपके पास क्यों रुके, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें बांध कर रख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही लगता है कि आपकी वजह से उनका स्पेस ऑफ फ्रीडम खत्म हो गया है। तो बेहतर है उनकी इस गलत फहमी से उन्हें रिहा करो और खुद से भी आजाद करो। वो क्या है ना, उनके साथ होते हुए भी तुम खुद ही को अकेला महसूस करोगे। इसीलिए कोई शख्स अगर छोड़कर जा रहा है या जाना चाहता है तो उसे जाने दो, रोको मत। क्योंकि ऐसी जबरदस्ती की नजदीकियों से बेहतर सुकून की दूरी ही अच्छी है। हमेशा याद रखना, जब इंसान का जमीर बिकने लगता है तो उसकी ना कीमत भी घट जाती है। इसीलिए कभी भी मांगने वाले साइड खड़े मत होना। चाहे प्यार हो या पैसा, तुम दूसरों को दे सको, खुद को ऐसा बनाना। यूं किसी के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो और ना ही कभी खुद को हल्के में लो। क्योंकि एक कोहिनूर की पहचान सिर्फ उसे ही होती है जिसे उसकी परख होती है, जो यकीनन हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई, एंड इफ इट्स रियली मेंट टू बी, ट्रस्ट मी, इट विल बी।